अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। उमेश जी, मैं आखिरी सवाल आपसे जरूर कहूंगा। आपने बहन जी की बात करी, आज सारा देश बहुजन समाज की जिसे बात करते हैं, SC ST OBC की, वो सारा समाज आज टकटकी लगा के बहन कुमारी मायावती की तरफ देख रहा है। अगर देश के अंदर प्रधानमंत्री बनती हैं बहन कुमारी मायावती तो वो कौन से परिवर्तन होंगे जो आज तक 70 साल के अंदर नहीं हुए, उनके बारे में बताएं। देखिए साहब, एक बात की गारंटी दे सकते हैं बहन मायावती जी की हम जी। क्योंकि हम उस जमाने से मिशन में काम कर रहे हैं जब बहन मायावती जी नहीं आई थी, मनोहर काशीराम जी थे। हम एक बात की गारंटी दे सकते हैं, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार पर चलने वाली पक्की हैं। दूसरी ये कह सकते हैं हम कि वो पूरे देश के अंदर में कल्याणकारी काम को करने से पीछे नहीं हटेंगे बिल्कुल भी। तीसरा हम ये कह सकते हैं कि वो किसी के प्रेशर में कभी भी नहीं आएंगी। अगर ये तीनों बातें उसके अंदर में हैं, इसीलिए हम बहन मायावती को ही क्यों, हम तो भारत की हर महिला के लिए बात कर रहे थे आपसे अभी जी। भारत की जन जन घर घर से महिला की इज्जत की बात कर रहे थे आपको जी। हम तो उस इंदिरा गांधी की भी बात करते हैं जो देश की प्रधानमंत्री बनी और उन्होंने ये कहा लाल किले से कि मैं अगर यहाँ देश की प्रधानमंत्री हूँ तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हूँ जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बदौलत हूँ मैं जी। ये कहा था इंदिरा गांधी जी ने जब पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति पूरे भारत की महिलाओं का बहुत सम्मान है और बाबा साहब ने भी उनकी इज्जत के लिए अपने अपने मंत्री पद को ठोकर मार दिया था। इसलिए बहन मायावती अगर आती हैं तो पूरे भारत की महिलाओं का कल्याण होगा। तमाम जितने भी SC ST OBC यहाँ वर्ग है, किसान मजदूर मेहनतकश, उसका कल्याण होगा। उमेश जी, एक विशेष बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसे बहुजन समाज बोला जाता है उसे 85% भी बोला जाता है और काशीराम साहब का ये आंकड़ा था कि 85% बहुजन समाज है। आज क्या कारण है कि बहुजन समाज एकजुट नहीं है 85%, उसके बारे में बताएं। देखो बाबा साहब का मैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि काशीराम जी बाबा साहब नहीं हो सकते, मायावती जी बाबा साहब नहीं हो सकते। मैं बाबा साहब के सिद्धांतों पर ज़्यादा विश्वास करता हूँ, मैंने ज़्यादा समझा और पढ़ा है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर खुद कहा करते थे अमेरिका, लंदन, अफ्रीका जैसे देश में क्रांति आ सकती है, फ्रांस में क्रांति आ सकती है, आई कितनी बार, लंका जैसा देश 150 साल में आज़ाद भी हो गया और बन भी गया, परंतु भारत नहीं, भारत में नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जातिवाद जैसी ऐसी बीमारी है, ऐसी बीमारी है। एक ब्राह्मण जाति का मजदूर जो मजदूरी करने जाता है और एक SC का जो मजदूर करने जाता है, एक पिछड़े का जो मजदूरी करने जाता है, वो तीनों लोग इकट्ठा होकर नहीं चल सकते अपने हकों के लिए। एक वो अलग अलग चलेंगे और एक पिछड़ा होगा इस भारत के अंदर में, दो उसका साथ नहीं देंगे किसी भी कीमत में। ये जो जातिवाद की बीमारी है हर सिस्टम पर काबिज है जातिवाद इस देश के अंदर में। अगर जातिवाद नहीं हटा तो कोई भी मंत्री बने, कोई भी संतरी बने, नीचे भारत का जो सिस्टम है, जो समाज का सिस्टम है, देखिए समाज के सिस्टम से चलता है सारा। कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री बने, इम्प्लीमेंटेशन तो समाज के इन तंत्र के द्वारा होता है और जो आपके DM और SSP वगैरह जो ISPCS है, ये इम्प्लीमेंट करते हैं तमाम नीतियों का, चीफ सेक्रेटरी करते हैं, और ये लोग 99% वही ब्राह्मणवादी सोच के हैं। तो ये इन लोगों को भी सबक सिखाने के लिए हमें कॉलेजेस में हेल्थ के सिस्टम में राष्ट्रीयकरण कराने का यही मतलब है कि हर गरीब से गरीब व्यक्ति राष्ट्रपति के बेटे के साथ पढ़े, टाटा बिरला का बेटा वहीं पढ़े जहां मजदूर का बेटा पढ़ रहा है। जब ऐसा सिस्टम हो जाएगा देश के अंदर में तो वो जो सरकारी संस्थान हैं वो ऐसे इनसे ज़्यादा सुंदर बन जाएंगे जो टाटा बिरला के पर्सनल अपने संस्थान हैं, क्योंकि यहाँ तो सरकारी संस्थानों को बदनाम इसलिए किया जाता है जिससे कि भारत के सिस्टम को धन्ना सेठों के हाथ में आराम से दिया जा सके, बदनाम किया जाता है उसको। मैं एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा उमेश जी, कि अभी बहुजन समाज के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी पार्टी बना लेते हैं, अपने संगठनों को बना लेते हैं और उनको चलाते हैं, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ऐसे कि बहुजन समाज की जो पार्टी है उसको कहीं ना कहीं इन बातों का नुकसान होता है, उन्हें अपनी पार्टी बनाना चाहिए या समर्थन करना चाहिए, इसके बारे में क्या बोलेंगे आप विशेष, वो बताएं। देखिए सर, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय संविधान में यूं तो हर एक को अधिकार दे रखा है, संस्था बनाओ, पार्टी बनाओ, एक नहीं हजार बना लो, 1 लाख बना लो, अकेला व्यक्ति पार्टी बना ले, ये भारत के संविधान में अधिकार है। परंतु बाबा साहब ने एक सूत्र दिया, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। संगठित रहने वाला जो मुद्दा बाबा साहब ने दिया है वो हवा में नहीं दे दिया, उन्होंने झेला, तमाम जातिवादी चोटों को अपने ऊपर झेला, तमाम पाखंडवादी चोटों को अपने ऊपर झेला, तमाम प्रकार के एक सैन्य सचिव होने, सेना का मालिक होने के बाद एक अनपढ़ चपरासी
फाइल फेंक के मारता है बाबा साहब को, झेल आना उन्होंने जी। 3 साल के बच्चे के रूप में नाई को झेल आना, बाल नहीं काट रहे। उन्होंने हर बात को अपने पर झेला, पढ़ने किताब पढ़ने में और व्यवहारिक ज्ञान। जो लोग पार्टी बना लेते हैं उनके बारे में मैं वही बता रहा हूँ आपको, प्रैक्टिकल में और थ्योरी में बड़ा फर्क होता है। थ्योरी में बहुत एक्सपर्ट है, जब प्रैक्टिकल करने आदमी जाएगा फेल हो जाता है वहाँ पर बिल्कुल। यही है संगठनों की बात, जो संगठन बनाने वाले ज़्यादा लोग हैं आप उनमें देखेंगे, वो लालची लोग मिलेंगे आपको जी। वो अपने व्यक्तिगत लालच में ऐसा करते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं सबके साथ मिल के चलेंगे तो वहाँ तो भाई सबके साथ सहयोग करके चलना पड़ेगा, और जहाँ हमने अकेले ने मलाई खानी है तो वहाँ तो फिर वो अलग चलने की आदत में रहेगा। इसीलिए सोशल और इकोनॉमिक रूप से और तमाम प्रकार के पॉलिटिशियन जो पनप रहे हैं छोटे छोटे कुकर मुत्तों की तरह, उनका मतलब ही लालच है जी। उमेश जी एक आखिरी सवाल है कि आप ने बहुत सारा समय समता सैनिक दल को दिया है, लेकिन अगर आपको राज्यसभा का ऑफर आता है तो क्या आप जाना पसंद करेंगे या समता सैनिक दल में रहना पसंद करेंगे? देखिए सर, मैं तो 85 में राष्ट्रीय अध्यक्ष बना जी। 2001 तक राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा। ये जो अंबेडकर भवन पर आप खड़े हैं जी। ये हमारी अध्यक्षता में ही कार्यालय स्थापित हुआ जी। ये जो आप पार्लियामेंट में देखते होंगे दल के कार्यक्रम, ये हमारी अध्यक्षता में स्थापित हुए। और इतना ही नहीं, लाल बत्ती की गाड़ियां हमने उस जमाने में सरकार से अधिकृत करा दी थी कानूनन बिल्कुल। और 100-200 जवान नहीं, जिस वक्त देवगौड़ा की सरकार थी, जब 26 अलीपुर का मुद्दा था, 5,000 जवान राज ये जो आपका ये है आपका लाल किले के सामने वाला हिस्सा जहाँ ये गांधी नेहरू की ये बनी हुई समाधि, वहाँ 5,000 जवान समता सिंधल के 10,00,000 लोगों के खिलाफ में खड़े थे बिल्कुल, कि या तो 26 अलीपुर बनाने का काम करो वरना कुर्सी खाली करने का काम करो। हमें उस वक्त भी ऑफर दिया जा रहा था, मेरा मतलब ये ऑफर तो उस जमाने में आ रहा था हमारे पास, जब तो हम युवा थे, जब तो हमारे पास बहुत ऊर्जा थी। युवा तो अभी भी हैं, सबसे ज्यादा जोश है। रिटायर्ड पर्सन है, 65 साल के हैं अब तो। हमने ये सोच लिया है कि बाबा साहब आपके द्वारा बनाए हुए संगठन का सैनिक भी रहना मेरे लिए उस मिनिस्टर से कहीं ज़्यादा बड़ी बात है। मैं ठोकर मार दूं बड़े बड़े मंत्री पद को इस बाबा साहब के सिपाही रहने पर ही केवल, ये मेरा फैसला है। धन्यवाद धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।